नमस्कार। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया गया। लोगों ने डॉक्टरों के समर्पण और योगदानों को याद किया। हमने भी अपना हेल्थ फॉर ऑल कार्यक्रम डॉक्टरों की भूमिका पर डॉक्टरों के साथ चर्चा की। इसी बहाने हमने देश की मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया, खासकर ग्रामीण इलाकों में और ट्राइबल पॉपुलेशंस के संदर्भ में। बातचीत का नतीजा ये निकला कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। एक फैमिली डॉक्टर के रूप में डॉक्टर्स की सेवाओं में कोई कमी नहीं रहती, लेकिन मामला स्वास्थ्य सुविधाओं का हो तो ये केवल बड़े शहरों तक सिमट कर रह जाता है। आम आदमी मॉडर्न हेल्थ फैसिलिटीज से अभी काफ़ी दूर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। आइए सुनते हैं उनके विचार। डॉक्टर साहब, कोविड के दौरान लगभग 2 साल डेंटल हेल्थ केयर बुरी तरह प्रभावित रहा। ज्यादातर क्लिनिक बंद रहे, उसके बाद भी उस पर प्रभाव रहा। आप ओवरऑल डेंटल हेल्थ केयर पर क्या प्रभाव पड़ा? जो लोग ये कोविड लॉकडाउन में अपना ओवरऑल ध्यान रखते रहे, उनको जो है डेंटल बीमारियां या डेंटल प्रॉब्लम बहुत कम हुई। और जो लोग ये सोचते रहे कि हाय हाय ये सब बंद है, हाय हाय ये सब नेगेटिव है, उनके जो है डेंटल केयर्स की जो है वो निग्लेक्टेड रहा और बहुत कम या कोई भी क्लिनिक ना ओपन के कारण या फियर के कारण उनके जो है जो कैविटीज थी या गम्स की प्रॉब्लम थी वो सब बढ़ती गई। तो डेंटल केयर पे अगर जो इंसान अपने 24 घंटे में से 3.5 मिनट्स या 4 मिनट्स निकाल दे तो फिर उनकी डेंटल केयर काफ़ी अच्छी संभल सकती है। ऑफकोर्स डाइट पे भी डिपेंड करता है कि हम जो है चिपकने वाली चीज़ें या मीठी चीजें या ऐसा ही खा के सो जाए तो कुल्ला वगैरह ना करें, ब्रश ना करें, ये सब जो लाइफस्टाइल चेंजेस है उसके ऊपर ध्यान दें। तो डेंटल केयर में इसेंशियली ब्रशिंग फ्लॉसिंग और डेंटल फ्लॉस जो है इसका अगर जो ध्यान रख लें तो फिर जो है ज़्यादा खराबी आने की नौबत नहीं पड़ती है। लेकिन जो लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो या तो पेन हुआ तो पेन किलर के सहारे चलाते गए, या फिर उनको हुआ तो हम कोई टेलीफोनिक की प्रिस्क्रिप्शन उनको बताते गए, तो इंटरवेंशन प्रोसीजर्स की जरूरत पड़ी वो शायद उनको मुहैया नहीं हुआ। बट ओवरऑल लगभग सभी ने इस पीरियड को किसी न किसी तरह निकाल ही लिया। और बाद में जब डेंटल केयर ओपन हुई तो फिर उसकी जो है टेकन केयर ऑफ वो चीज एस्पेक्ट हो गया। एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि ये बीमारी मरीजों को ज्यादा समय नहीं देता। इस चैलेंज को कैसे फेस करते हैं? लाइफ डेफिनेटली हर प्रकार के चैलेंजेस से फुलफिल्ड होती है, लेकिन उन चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना ये एक अच्छे डॉक्टर का काम है। एंड ऐसे समय पर जब ये जो हार्ट है, हार्ट की बीमारियां ये एक एपिडेमिक का रूप ले चुकी है, और स्पेशली जो हार्ट अटैक है 25% पेशेंट्स आर अकरिंग बिटवीन 18 to 35 ईयर्स, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रिवेंशन इज द टूल। और इसको मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल से स्पष्ट करता हूँ। Most of the doctors, including me and all of us, the job that we are doing, जो कार्य हम कर रहे हैं वो किसी झाड़ू पोछे वाले से अच्छा नहीं कर रहे हैं। What is happening is कि बीमारी बढ़ती चली जा रही है और हम उसका इलाज सर्जरी के द्वारा, एंजियोप्लास्टी के द्वारा या दवाई के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ध्यान किसी के मन में नहीं आता कि यदि हम नलके को बंद कर देंगे तो जमीन गंदी होनी बंद हो जाएगी। वो नलके को बंद करना यानी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स को अपनी लाइफ के अंदर लेना, उसको इनकलकेट करना, इसको मास मीडिया के द्वारा, ऐसे माध्यमों के द्वारा, लोगों के द्वारा इसको पब्लिसाइज करना, यही एक बहुत बड़ा जो टूल है, जो चैलेंज है जिसको आज हमें साकार करना है। एक फैमिली डॉक्टर के रूप में डायबिटोलॉजिस्ट की भूमिका बड़ी अहम होती है। उनके डायबिटीज को नियंत्रण में भी रखना है और कोविड जैसे इन्फेक्शन से भी बचाना है। क्या अनुभव रहा आपका? आपने बिल्कुल सही कहा कि किसी भी फैमिली डॉक्टर की भूमिका, खासतौर पे आजकल के दौर में जब बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जब ऐसा समय भी आया, कोविड का दौर आया, जब मरीज घर से बाहर नहीं निकल सकते और ज़्यादातर इलाज इन 2 सालों में, ये करीब 1.5 सालों में टेली कंसल्टेशन में हुआ, तो इस दौर में फैमिली डॉक्टर की भूमिका बहुत ही ज़्यादा अहम रही है। क्योंकि फैमिली डॉक्टर वो डॉक्टर है जो मरीज के पूरे संपर्क में रहा है, सालों से मरीज की बीमारियों को जानता है, और फिजिशियन की भूमिका
केवल कोविड के दौरान ही नहीं, हर समय फिजिशियन की भूमिका बहुत ही अहम होती है। ये सब हमको समझना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों का जो है, अगर शुरुआत में इलाज हो जाए, सही और उचित इलाज हो जाए, तो बीमारियों की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, सही इलाज हो जाता है, उनका आउटकम अच्छा होता है, और जो मरीजों को नुकसान होता है, जो आहत होती है, या जो उनका खर्चा भी होता है, जो कॉस्ट होती हैं, अगर सही समय पर बीमारी को पकड़ लिया जाए, उसका इलाज करना शुरू कर दिया जाए, और अगर ये इलाज फिजिशियन खुद नहीं भी करते, तो कम से कम फिजिशियन को हम बोलते हैं एक रेफरिंग इंस्टीट्यूशन, जो सही रास्ता दिखा सकते हैं मरीजों को कि अब ये स्थिति आ गई है, ये बीमारी है, तो आगे हमें ये करना चाहिए। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो फिजिशियन की भूमिका है, अभी जो मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस है, खासतौर पर बड़े शहरों में, ये कुछ कम होती जा रही है, और इसका सभी लोगों को, मरीज को, सोसाइटी को बहुत नुकसान हो रहा है। आजकल देखिए, लोगों का पेट दर्द भी होता है तो वो सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर होल बॉडी चेकअप कराते हैं, और पेट दर्द होता है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को जाके दिखाते हैं। मैं नहीं कह रहा है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को नहीं दिखाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मान लीजिए कोई भी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट हैं, इन लोगों के पास इतना पेशेंट बर्डन, इतना लोड होता है कि जब छोटी छोटी चीज़ें जो घर बैठे आराम से ठीक हो जाती हैं, उसके लिए भी जब पेशेंट ऐसे लोगों के पास जाते हैं, अननेसेसरी बर्डन क्रिएट। डॉक्टर साहब, एक हम लोग डॉक्टर्स डे पे भी बात कर रहे थे, तो एक अलग हटकर सवाल है, कोई एक रिपोर्ट भी आई हुई है कि डॉक्टर्स को सेल्फलेस गॉड माना जाता है। ये एक मिथ है जिसे अर्बन एलीट और फिल्मों ने क्रिएट किया है, इस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, ये तो हर व्यक्ति का देखने का तरीका है। आफ्टर ऑल डॉक्टर्स आर आल्सो ह्यूमन बीइंग, वो भी आपकी और हमारी तरह इंसान ही होते हैं, और डॉक्टर्स की प्रोफेशनल नॉलेज है जो जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर्स के अंदर डेडिकेशन होता है, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मैंने अपनी जो ज़िंदगी देखी है, अपनी जब से मैंने पढ़ाई की है मेडिसिन में, जो हमने अपने प्रोफेसर देखे हैं, जो हमने अपने टीचर्स देखे हैं, जो हमने सीनियर्स देखे हैं अपनी थ्रू आउट माई लाइफ, थ्रू आउट माई प्रैक्टिस, और जिन भी अस्पतालों में मैंने काम किया है, ज़रूर ऐसे लोग देखे हैं कि जिनको मैं तो भगवान मानता हूँ। मैं यही नहीं कह रहा कि डॉक्टर भगवान होते हैं, लेकिन सचमुच में डॉक्टर्स के अंदर ऐसी डेडिकेशन होती है जो मैंने और प्रोफेशंस में दूसरों के लिए नहीं देखी। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँ कि डॉक्टर्स जो करते हैं दूसरों के लिए करते हैं। डॉक्टर मरीज को देखता है, मरीज का इलाज करता है, वो मरीज के फायदे के लिए करता है, वो हर हालत में चाहता है, हर तरह से चाहता है कि मरीज जल्दी से जल्दी ठीक हो। कोविड 19 ने टीवी प्रोग्राम को तो बहुत प्रभावित किया है, इस पर कोई शक नहीं। क्या हम जो हमारा 2025 का लक्ष्य है, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ टीबी इन इंडिया, ये संभव है? ये इस तरीके के प्रोग्राम से, जो कि आप एक प्रोग्राम बनाते हो 2025 तक, आप ट्राई करते हो वहां तक पहुंचने की, कि आप वहां तक नहीं, कम से कम थोड़ा सा उसके नीचे हिट करने की कोशिश कर पाओगे। लेकिन कोविड 19 के आने की वजह से दवाइयाँ पर ही छूट गई, कई पेशेंट आ नहीं पाए, ट्रैवलिंग नहीं रही, दवाइयाँ नहीं मिली, और उसके साथ कोविड भी हुआ, जिसमें स्टेरॉयड चले, पेशेंट्स को अलग अलग चीज़ों की प्रॉब्लम आई और उनकी टीबी बीमारी बढ़ी। हम लोगों ने इस बीच जितने पेशेंट देखे हैं, सब एक्सटेंसिव डिजीज के देखे हैं, जो एक एक दो दो महीने पर पेशेंट आ जाता था, खांसी करता हो, शुरुआती बीमारी लेता हुआ, वो चीज़ आनी कम हो गई, और इसका बहुत आगे चल के प्रकोप आएगा, क्योंकि पेशेंट के एक बार फेफड़ा डैमेज हो जाता है टीबी से, अगर अच्छी मात्रा में डैमेज हुआ तो उसको बाद में सांस की परेशानी, खांसी में बार बार खून आना, अलग अलग इन्फेक्शन बार बार होना, मामूली इन्फेक्शन से परेशान होना, सांस फूलना, ये सब और ज़्यादा दिक्कत देता है उनमें। तो 2025 का लक्ष्य तो नहीं पास आता हुआ दिख रहा है मुझे। एक पल्मोनोलॉजिस्ट के रूप में आपको और आपका परिवार हमेशा इन्फेक्शन के खतरे के दायरे में रहता है, कोविड और नो कोविड तक हमेशा रहता है, और आपको ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों को भी देखते हैं, तो कैसे बचाव करते हैं खुद का भी, परिवार का भी, कैसे? बहुत ही मुश्किल चीज होती है खुद का और परिवार का इन बीमारियों के बीच में बचाव कर पाना। बेस्ट पार्ट जो है
प्रिवेंशन प्रिवेंशन पे ध्यान देते हैं कि बीमारी कम से कम फैले। क्लिनिक में हम लोग अब कोशिश करते हैं कि हर पेशेंट मास्क पहन के आए और खुद भी हम लोग मास्क पहन के रहते हैं। पेशेंट को बहुत इंसिस्ट करते हैं कि वो मास्क नहीं उतारे। कई जो पेशेंट होते हैं जो कि सिर्फ अपनी जो है चेहरे के यहाँ पे मास्क लगाए रहते हैं, अपना मुंह कवर करते हैं, लेकिन उनकी नाक खुली रहती है। तो उनको ये चीज़ समझाना कि उनको पूरा मास्क लगाना है, पूरा फेस कवर होना है, खांसना कम से कम है, इन चीज़ों से बीमारी का फैलना हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं, राउंड्स करते हैं, कपड़े सब हम लोग के गंदे होते हैं, हम लोग फोमाइट्स होती हैं जो बैक्टीरिया और वायरस जो कि हमारे कपड़ों के ऊपर बैठा होता है। कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल से जब भी वापस आए अपने कपड़े अलग रखें, एक नीचे अलग वॉशरूम बनाया बाथरूम बनाए हुए हैं जिसमें ये अलग से हम लोग जाके पहले शावर लेते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, नहाते हैं, उसके बाद घर में घुसते हैं। उसके बाद इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि मान लीजिए इन सब के बावजूद भी हम लोग को इन्फेक्शन हो जाए और कोई भी सिम्टम आए तो अपने को सेल्फ आइसोलेट करें, ना कि फैमिली साथ रहते रहें, बैठे रहें और सबको इन्फेक्शन हो जाए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग को करने की जरूरत पड़ती है। इसके बावजूद भी हम लोग जब वायरल इन्फेक्शन होता है, बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि सबको फैलने से बचा पाए। महिलाएं खास करके ट्राइबल वीमेन जो है वो घर का काम भी करती हैं, खेतों में भी काम करती हैं, जंगल में लकड़ियां भी चुनती हैं। मैं झारखंड का हूँ इसलिए झारखंड के अनुभव से बता रहा हूँ, जंगल में लकड़ियां भी चुनती हैं, लेकिन राइट्स अधिकार जो है फैसला करने का अधिकार सारे पुरुषों के पास है। ये अच्छी बात है कि अब एक आदिवासी महिला हमारे राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, बहुत खुशी की बात है जी। तो ये जो वीमेन एम्पावरमेंट है ये ट्राइबल पॉपुलेशन के बीच महिलाओं के बीच कब पहुंचेगा, आपको लगता है कि इसके लिए कुछ क्या करने की जरूरत है? जहां तक बात आता है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, तो ये सिर्फ ट्राइबल का ही प्रॉब्लम नहीं है सर। आप अगर नॉर्मल एक सिटी में जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों लिटरेट होते हैं, आप अगर वहाँ पे भी जाके देखें तो वहाँ पे भी जो है मेल ही डिसीजन लेता है। अगर कोई घर पे आता है पूछता है कि हेड ऑफ द हाउसहोल्ड कौन है, तो हम हस्बैंड का ही नाम लेते हैं या फादर का नाम लेते हैं। कभी भी आज तक हमने अपनी माँ का नाम नहीं लिया है। तो ये जो है, ये हमारा इंडिया का कल्चर ही है कि ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये यहाँ पे ऑलवेज मेन इज गिवन प्रायोरिटी, द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और फीमेल्स जो है हमेशा ये देखा गया है कि वो घर पे रहती है, घर का काम करती है, उनको बाहर नहीं भेजा जाता, ये सारे इश्यूज है। नाउ व्हेन इट कम्स टू द ट्राइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ट्राइबल में फीमेल ज्यादा एम्पावर्ड है हमारे से। हम जैसे सिटीज में रहते हैं, घर पे रहते हैं, हमारे से ट्राइबल वुमन बहुत ज्यादा एम्पावर्ड है। वो घर का काम करती है, वो खेत में जाती है, हल जोतती है, लैंड प्रिपेयर करती है। अगर बात करें NTFP का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वो खुद अकेले वो जाती है जंगल में, इमली या फिर जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं NTFP सारा वो लेके आती है। लेकिन जब तक ये बात आता है बेचने पर, तो फिर ये कंप्लीट डिसीजन जो है उसके हस्बैंड पे आ जाता है। जो जंगल के इलाके हैं और जंगल के आसपास जो गांव है, वहाँ बहुत सारे ट्राइबल पॉपुलेशन में देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, उनकी डेथ भी हो जाती है और पता नहीं चलता कि वो क्या बीमारी थी। ये जागरूकता की कमी या सुविधाओं का अभाव है? First things first, they're not aware कि what has happened to them. मैं हम लोग जब when we started the conversation, I very clearly mentioned कि they don't even know what they're suffering from. जैसे उन लोग को अगर निमोनिया भी हो गया और उन लोग का, जैसे आप बोले, उनका देहांत भी हो गया, इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन इज लैक ऑफ अवेयरनेस, सेकंड इज लैक ऑफ हेल्थ केयर, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो यू नो, दोनों हो सकता है, इज बोथ। दे डोंट इवन हैव एन आइडिया कि उन लोग को निमोनिया हो गया है, दे डोंट इवन हैव एन आइडिया कि उनको अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया और उनका डेथ हो गया उनकी वजह से, देयर फैमिली दे हैव नो आइडिया। उन लोग को अभी भी मिथ होता है कि ये बुरा काम की वजह से हुआ है, बिकॉज देयर इज अ बैड टाइम, इट्स अ बैड ओमेन। सो That is where we kick in and we tell them about these mythbusters. लेकिन जब COVID आया था, ये लोग बहुत, they were very open towards taking vaccinations. So things like that. डॉक्टरों का काम काफी चुनौती भरा होता है, इसमें कोई शक नहीं। ये बात COVID महामारी के दौरान उनकी भूमिका और उनके बलिदान से साफ हो गई है। हेल्थनामा में आज इतना ही। नमस्कार।